हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 21 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं जीके मैथ रीजनिंग के, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं तीनों शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिलता रहे, हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे चैनल ऐसा भी कर रहे हैं कि 11 बजे से आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और वो 10 बजे ही वीडियो को अपलोड कर देते हैं, तो वो वीडियो देखने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरी वीडियो लेट आ रही है, मुझे भी पता है, बट 100% बच्चों से बात करके, डायरेक्ट कॉल पर बात करके ही मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चाहे आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना जो एग्ज़ाम दे के आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और जितना हो सके लाइक भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ मेहनत से, वो सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच में, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पूछी गई होगी तो डेट आपको 1767 लगाना था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका LIC की फुल फॉर्म, यहाँ तो फुल फॉर्म भी लगातार यहाँ पे पूछी जा रही है, तो LIC की फुल फॉर्म हो जाएगी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए यहाँ पे कल पूछा गया था गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, अभी पूछा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम पे होगा तो वही शपथ दिलाएगा। तो अभी कौन है? रंजन गोगोई, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर रहेगा, आप इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो रंजन गोगोई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो यह आपका हो जाएगा रानी महामाया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आमिर खान को 2017 में किस मूवी के लिए अवार्ड मिला था? तो यह आपका दंगल, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली शिफ्ट का जो मैंने एनालिसिस अपलोड किया था वो बहुत ही कम बच्चों ने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे लिंक दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी इस वीडियो को देखने के बाद में जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका कैपिटल ऑफ सिंगापुर क्या है? तो ये करेंसी ऑफ सिंगापुर था, तो सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर कैपिटल पूछी जाती तो सिंगापुर की कैपिटल भी आपकी देखिए सिंगापुर ही है, जो सिंगापुर है ये एक सिटी और एक कंट्री दोनों है, तो सिंगापुर की अगर करेंसी पूछी जाए तो सिंगापुर डॉलर, अगर कैपिटल पूछा जाए तो सिंगापुर ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, यानी कि बंगाली टाइगर भी जिसको बोलते हैं, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये पूछा गया था आपका, तो CaBCLO ब्रैकेट बंद और 2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपका महावीर स्वामी, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका है, किस तापमान पर सेल्सियस और फेरनहाइट बराबर होते हैं? तो ये आपका -40 डिग्री पे। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और गुणसूत्रों की संख्या डेली पूछी जा रही है, कल ह्यूमन की पूछी गई थी, आज प्याज की पूछी गई है, कल किसी और चीज़ की पूछी जाएगी, तो एक बार रिवाइज करके चले जाइएगा। CEO से आपके देखिए डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैनरा बैंक के CEO कौन है? राकेश शर्मा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सीधी सीधी सी, यहाँ पे 40 वीडियो हैं, 40 प्लस वीडियो हैं ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस की, शायद वो 44 है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो अभी भी टाइम है, ग्रुप डी के पेपर एनालिसिस की वीडियो देख लीजिए, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि कैनरा बैंक हो गया, प्याज की गुणसूत्रों की संख्या हो गई, ये सब ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ये हो गया आपका सेल्सियस और फेरनहाइट किस पे बराबर होते हैं, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैपिटल ऑफ केरला ये भी पूछा जा चुका है, तो अगर आप उनको देख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भाई। तो कैपिटल ऑफ केरला क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि ग्रुप डी में नहीं थे, बट यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन है, जैसे CNG की फुल फॉर्म की ये पूछा जा चुका था, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है आपका अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? ये मतलब पूछा गया था, तो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे बोला जाता है उसको, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 2016 में 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो ये आपका शंख घोष, राइट आंसर
हो जाएगा भाई, ठीक है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पूछे जा रहे हैं, तो राज्यपाल हो गया, सीएम हो गया, गवर्नर हो गया, इनसे लगातार अभी भी क्वेश्चन है और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ESS नरसिंह, राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, सभी को पता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फॉर्मूला ऑफ सल्फेरिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में आ चुका था, तो यहाँ पे हो जाएगा H2SO4, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ये क्वेश्चन भी आई थिंक ऑलरेडी रिपीटेड है। GDP की फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये आपका पूछा गया था, ठीक है भाई। RBC की मृत्यु कहाँ पर होती है? पलिया में होती है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। असम के टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो मानस टाइगर रिजर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैं अभी बोलूँ तो इसमें अगर ये 30 क्वेश्चन थे, 30 में से यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 20 क्वेश्चन ग्रुप डी में से ही रिपीटेड है, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन देख रखे होंगे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अब बहुत सारे बच्चों ने बताया कि रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल की है, और वही जो कॉन्सेप्ट आपका ग्रुप डी में था बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट आपका RPF में है, RPF कॉन्स्टेबल में, ठीक है। RPF कॉन्स्टेबल में बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्टेटमेंट कंक्लूजन के अच्छे खासे क्वेश्चन, श्लोक के अच्छे खासे क्वेश्चन और वेन डायग्राम से क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको मैंने वीडियो सब कुछ अपलोड कर रखी है, लिंक दे दूंगा मैं सभी वीडियो के नीचे। आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना नहीं आता या मुझे नहीं पता कैसे, बट आप बहुत ही कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते हो जैसे मुझे लगता है। नीचे जो साइड में त्रिभुज का निशान होता है इस पर क्लिक करना होता है, नीचे चेक करिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप उसको चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको चाहिए होती है मैं वहां पे लिंक दे देता हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। सिलोगिज्म की वीडियो का लिंक दे दूंगा, मिरर एंड वाटर इमेज की वीडियो का लिंक दे दूंगा। वेन डायग्राम यहाँ पे है तो इसका भी आपको मिल जाएगा, बहुत ही आसान होता है वेन डायग्राम के, मैंने मिक्स क्वेश्चन भी करा रखे हैं बहुत सारे। और बात कीजिए क्लोक की, तो क्लोक से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन था, ठीक है। सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन से भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंटिंग वाले कि ए ने बी मतलब किसी तस्वीर की तरफ को इशारा करते हुए कहा कि ये इसकी क्या लगती है, इस तरीके के क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन में पूछे जा रहे हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मुझे मिला है एनालॉगी का, जैसे यहाँ पे पूछा गया था वेटर और यहाँ पे था रेस्टोरेंट और किसान का पूछा था, तो क्या होगा? चार ऑप्शन में आपका खेत होगा, खेत आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेटर जिस तरीके से आपका रेस्टोरेंट में काम करता है उसी तरीके से किसान आपका खेत में काम करता है, ठीक है भाई। एक जैसे यहाँ पे था बॉय के लिए कोड यूज किया गया था 267, बॉय के लिए क्या कोड यूज किया गया था 267, और गर्ल के लिए पूछा था, तो बॉय के लिए 267 किस तरीके से लिखा गया देखिए, जानिए। बी आपका 2 पे आता है तो 2 लिख दिया, ओ आपका 15 पे आता है तो 15 में क्या क्या 5 + 1 तो 6 लिख दिया, वाई आपका 25 पे आता है तो 25 + 2 तो 7 लिख दिया। तो इस तरीके से बॉय का कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, तो गर्ल का यहाँ पे पूछा गया था, तो गर्ल में क्या करेंगे GIRL आपका है तो जी आपका 7 पे आता है और 7 पे आपने लिख दिया, आई आपका 9 पे आता है तो आपने 9 लिख दिया, आर आपका 18 पे आता है तो 88 + 1 तो 9 आपने लिख दिया, एल आपका 12 पे आता है तो 2 + 1 3 आपने लिख दिया। तो इस तरीके से गर्ल का कोड हो जाएगा 7993, ठीक है भाई। अब वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन था, वेन डायग्राम में पूछा था आपका परिवार पुत्रों और पुत्रियों के बीच में एक वेन डायग्राम का बनाइए, तो यहाँ पे देखिए पुत्र और पुत्रियों दोनों के दोनों परिवार के मेंबर हैं तो रिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब देखिए पुत्र अलग होते हैं पुत्रियां अलग होती हैं, ये तो नहीं है कि भाई कुछ पुत्र पुत्रियां और कुछ पुत्रियां पुत्र हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं बट दोनों के दोनों फैमिली मेंबर होते हैं, परिवार का हिस्सा होते हैं, तो आपको इस तरीके से इसको कवर कर देना है, ठीक है। एक आपका मिरर इमेज से क्वेश्चन था, किसी अल्फाबेट का क्वेश्चन था, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है आर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट ले लीजिएगा आप, बस एक इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर मिरर यहाँ पे रखा है तो आपको क्या करना है, मिरर के पास में आर का कौन सा पोर्शन है? भाई मिरर के पास में आर का ये वाला पोर्शन है, ये वाला भाग, तो आपको ये वाला पास मिरर के पास ही रखना है, ये वाला भाग, ठीक है। तो इसको आपने पास में रख दिया, आर का ये लिया। अब जो इसमें ये निकाल रखे हैं थोड़ा, ये बॉक्स यहाँ पे टांग रखा है, जैसे ये रख रखा है, तो ये आपका जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में, यानी कि मिरर इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो इनको इसी डायरेक्शन में करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक बन जाएगा। एक और था आपका वोटर इमेज से, यहाँ पे वोटर की ही स्पेलिंग का वोटर इमेज पूछ लिया गया, तो ये भी आप सिंपली कर सकते थे भाई, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। अगर जैसे W है, W के नीचे मान लीजिए अब की बार यहाँ पे आपको वोटर इमेज बनाना है, तो मान लीजिए मिरर यहाँ पे रखा है, तो मिरर के पास कौन सा हिस्सा है W का, ये वाला कोने वाला, तो आपको क्या करना है, मिरर के पास ये वाला ही रखना है ऊपर की साइड, ठीक है ना, जैसे ये है तो ये वैसे ही रखना है। तो ऐसे ही ए को रखेंगे, ए का कौन सा हिस्सा है मिरर नीचे के खुला हुआ, तो ये खुला हुआ ही पास में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वोटर इमेज का, ये वोटर का वोटर इमेज ये वाला बन जाएगा,
ठीक है भाई। एक आपका यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन मिला है मेरे को, बिल्कुल यही क्वेश्चन था कि कुछ बकरी भेड़ हैं, कुछ भेड़ गायें हैं और सभी गायें जानवर हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से कि कुछ बकरी भेड़ हैं, कुछ भेड़ आपकी गायें हैं और सभी के सभी गायें जानवर हैं। तो ये तो आप बिल्कुल सिंपली बना सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर यहाँ पे था कि कुछ बकरी गायें हैं, कुछ बकरी गायें हैं, तो यहाँ पे देखिए बकरी और गाय के बीच में रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये तो हटा दीजिए, तो गलत हो गया भाई, ये आंसर सही नहीं हो सकता, ऑप्शन वन इज द रॉन्ग। नेक्स्ट आपका कुछ भेड़ जानवर हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पे भेड़ और जानवर के बीच में एक ये वाला रिलेशन है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, कुछ भेड़ जानवर है, क्योंकि यहाँ पे गाय को कवर कर रहा है कौन, कुछ भेड़ गाय को कवर कर रही है, उसी तरीके से फिर जानवर भी तो पूरी की पूरी गाय को कवर कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये भेड़ में भी है, गाय में भी और जानवर में भी है, तो भेड़ और गाय का जानवर का रिलेशन हो जाएगा कुछ का, तो ये राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ मैथ के क्वेश्चन की, तो मैथ के क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं, बट मैं बिल्कुल आपको जो टॉपिक है वो समझा देता हूँ, वो बता देता हूँ, अगर आप उसको अच्छे से कवर कर ले, और जो वीडियो के लिंक अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा, अगर आप उनको देख ले तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। एक दो जो देखने को मिल रहा है मेंसुरेशन से आ रहा है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा कुछ नहीं पूछा जा रहा है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो एक लाइक मेरे लिए जरूर करिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ पूरा दिन से क्वेश्चन कलेक्ट करने में, बहुत मुश्किल से कलेक्ट होते हैं, ये आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिएगा एक भी दिन क्वेश्चन कलेक्ट करके, अब अगर आप मुझे 10 क्वेश्चन भी भेज सके तो। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से देखिए अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन चैप्टर अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज से देखने को मिले, कम से कम 5 क्वेश्चन परसेंटेज से देखने को मिले, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस से भी मतलब एक दो क्वेश्चन करके पूछा गया है। बात की जाए रेशो से, तो रेशो से आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में भी है, SICI में आपका एक क्वेश्चन तो था, डिफरेंस आपका दिया हुआ था और आपसे पूछ लिया गया कि वो प्रिंसिपल अमाउंट बताइए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया था, तो ये क्वेश्चन था। एज से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ओवरऑल एनालिसिस आपका, जिसमें GK रीजनिंग और मैथ के मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा 10 बजे, जिसमें थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे प्लस रीजनिंग और प्लस मैथ के जितने क्वेश्चन मुझे पूरे दिन में मिलेंगे वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको रात को 10 बजे। तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बाकी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं इस ऑनलाइन CBT टेस्ट का, जो कि मैं आपके लिए अवेलेबल कराया था, 149 रुपीज़ इसका था, और इसमें यहाँ पे डिस्काउंट टॉपिक स्टडी फैमिली मेंबर को मिल रहा है यहाँ पे 30 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो आप 149 को आप परचेज कर सकते हैं 120 में, तो आप इसको परचेज करके लगा लीजिए। 20 टेस्ट ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसमें GK मैथ रीजनिंग के वही क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर अच्छी टेस्ट थे और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो आप भी इनको परचेज करके फायदा ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल कोई भी जवाब है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिना किसी हिचक के लिख दीजिएगा, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा।